सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बादशाह चैनल को, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्निकल बादशाह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक्सिस बैंक करंट अकाउंट के बारे में। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि एक्सिस बैंक करंट अकाउंट कैसे खोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों दो तरीका इसका, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो चलिए बिना वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो है ऑनलाइन तरीका मैं बता रहा हूँ, इस पर आप मत खोलिए, क्योंकि ऑनलाइन तरीका जो है इसमें बहुत टाइम लगता है और टाइम भी वेस्ट होता है आपका। और इसमें आपको पहले तो 10 नंबर देना होता था वैट नंबर, लेकिन अभी जीएसटी नंबर देना होता है। उससे अच्छा आप एक काम करिए, सबसे अच्छा तरीका आप बैंक ब्रांच में जाइए, बैंक ब्रांच के जो मैनेजर से बात करिए। बैंक ब्रांच के जो मैनेजर है वो खुद ब खुद आपके पास जो है एक स्टाफ भेजेंगे, जो एक ऑफिसर होगा वो आपसे आप खुद कांटेक्ट करेगा। आप जहाँ भी आपकी शॉप हो या कोई भी आप कारोबार करते हो या जॉब करते हो, आपका जो है डायरेक्ट आके आपसे मिलेगा वो, और जो है अकाउंट आपका डायरेक्ट वहीं पर खोल देगा। आपको बैंक दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन तरीका है इजी, लेकिन टाइम बहुत लगता है उसमें, और जो है बहुत ज़्यादा ही उसमें आपको फिल करना होता है, टाइम वेस्ट होता है। आप अगर बैंक ब्रांच से मिलकर बात कर लेते हो और वहाँ पर आप अकाउंट खोलते हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, वो भी घर बैठे। दोस्तों, करंट अकाउंट में आप याद रखें 10,000 रुपया हर मंथ का आपको ट्रांजेक्शन चाहिए दोस्तों, और बस इतना ही आज की वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकॉन जरूर दबाए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए।